हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपको वीना चार्जर से मैं जो पिक्चर ट्यू होते हैं कलर टीवी का पिक्चर ट्यू उसे चार्ज करके दिखाएंगे। आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितना डीम पिक्चर आ रहा है। इसका पिक्चर ट्यू डैमेज हो चुका है और इसका जो पिक्चर ट्यू है इसमें गैस ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसको चार्ज करना पड़ता है। लेकिन हम इसको बिना चार्जर से चार्ज करेंगे, चार्जर से चार्ज करना पड़ता है, लेकिन आपको हम इसे बिना चार्जर से मैं चार्ज करके इतना अच्छा क्वालिटी दिखाऊंगा पिक्चर को। बिल्कुल नया ट्रिक्स जो YouTube में किसी ने नहीं बताया, पहली बार मैं लेके आ रहा हूँ आपके YouTube में। तो फ्रेंड्स चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और फटाफट आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूँ, वो भी विदाउट चार्जर में। तो फ्रेंड्स मैं टीवी के बैक साइड में आ गया हूँ और इसको मैं चार्ज करूँगा वीना चार्जर के। बिल्कुल नया तरीका है फ्रेंड्स, शायद किसी ने बताया YouTube में। इसको हम जो टीवी में लगा ESD है आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप जो ESD है इसी से हम चार्ज करेंगे। इस पिक्चर ट्यूब को हम इसी ESD से चार्ज करेंगे, इसी ESD से। और इसको जो चार्ज करना है फ्रेंड्स बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ESD बहुत खतरनाक होते हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतना है। और कुछ लोगों के पास चार्जर नहीं है इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले मैंने 2 TV को इसी ESD से चार्ज करके दिखाऊँ। ऑलरेडी मेरे पास चार्जर है, लेकिन जिनके पास चार्जर नहीं है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। और इसमें चार्जर से भी ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी होता है। तो मैंने 2 TV कर चुका हूं और इस TV को मैं चार्ज करके देखता हूं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बेस किट में जाना है फ्रेंड्स, यहां पर जो लगे हुए बेस किट हैं। और यहां पर आप देख सकते हो RK लिखा हुआ है, मतलब ये रेड कैथोड। तो आपको जाना है जो H लिखा हुआ है, ये हीटर का पिन है फ्रेंड्स। और हीटर पिन जो 6 वोल्ट के होते हैं और उसके बगल में जो ग्राउंड होते हैं हीटर का ग्राउंड, तो इन दोनों पिन को सबसे पहले शॉर्ट कर देना है। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरा कि लाइक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे पहले जो हीटर पिन है और ग्राउंड पिन है इन दोनों को शॉर्ट करना है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए आपको अलग से एक बेस लेना पड़ेगा, तो इसको मैं निकाल लेता हूं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मैंने निकाल लिया और मैं अलग से यहां पर एक बेस लगाऊंगा। आपके पास पुराना है तो पुराना लगा सकते हो, न्यू हो तो न्यू लगा सकते हो। हम अभी आपको लगा के दिखाते हैं। और उससे पहले आपसे आपको क्या करना है कि ये जो ESD कैप है, तो ये इस ESD कैप को आपको निकाल लेना है। तो चलिए पहले मैं ESD कैप को निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ तो मैं ESD कैप को बाहर निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने ESD कैप को बाहर निकाल लिया, ठीक है। और मैंने बेस किट था उसको भी बाहर निकाल लिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बेस लगाऊँगा एक। चलिए हम लगा के अभी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने एक बेस ले लिया और हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जो इसका हीटर पिन और हीटर ग्राउंड पिन कौन है। तो मैंने लिख के रखा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये वाला पिन हीटर पिन है और GH हाँ लिखा हुआ है, ये हीटर के ग्राउंड पिन है। तो इन दोनों पिन को शॉर्ट करके TV के जो अर्थ होते हैं, ग्राउंड होते हैं, उसके साथ इसको जोड़ना है। तो आपको अगर इस बेस में समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो मैंने 1 इंची का आपको समझाने के लिए बना के रखा हूँ, देख सकते हो। तो इसको इस तरह से रखिएगा, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कौन सा पिन GH है, कौन सा पिन BK है, सब कुछ आप देख सकते हो। फिर तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर जो H लिखा हुआ है कितना नंबर पे, 1, 2, 3 नंबर पे। तो इसका जो 1, 2, 3 नंबर पिन H पिन है और 4 नंबर पिन ग्राउंड है। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर और शॉर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छा से लगा देना है फ्रेंड्स, इस तरह से। और मैं लगा चुका हूं फ्रेंड्स, अब इसको हम शॉर्ट करेंगे फ्रेंड्स और ग्राउंड के साथ जोड़ के आपको दिखाता हूं इसको चार्ज किस तरह से करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने जो हीटर के ग्राउंड पिन है और हीटर पिन है दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया, और इसका जो अर्थ है टीवी का जो बॉडी अर्थ होता है ग्राउंड होते हैं उसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक प्लास लेना है, इस तरह से एक प्लास लेना है फ्रेंड्स। आपको सावधानी से ये काम करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इसमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि ESD का काम है। और TV में हम लाइन दे देंगे फ्रेंड्स, और इस तरह से हम प्लस से पकड़ लेंगे इसको और TV में लाइन दे देंगे फ्रेंड्स। और देखिएगा मैं अभी TV में लाइन देके आपको इस तरह से
फ्रेंड्स अब मैं टीवी में पावर दे देता हूं और आप ध्यान से देखिए, आप देख रहे हो फ्रेंड्स इस तरह से मैं चार्ज कर रहा हूं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही सावधानी से आपको करना है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप इस तरह से आपको चार्ज करना है, यूएसबी से ही चार्ज करना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तब ये चार्ज हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो पिक्चर ट्यूब है ये चार्ज हो चुका है, अब हम इसे फटाफट जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, यूएसबी को सारा चीज़ को जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद आपको पिक्चर क्वालिटी दिखाते हैं कि पहले जो पिक्चर क्वालिटी आ रहा था तो अब किस तरह का पिक्चर क्वालिटी आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए हम अभी आपको फटाफट जोड़ के आपको पिक्चर दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने सारा चीज़ जोड़ दिया, आप देख सकते हो यूएसबी भी लगा दिया। अब मैं टीवी में लाइन देके आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि किस तरह का पिक्चर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं टीवी में लाइन दे चुका हूँ और मैं आगे साइड में जाता हूँ। और मैं आगे साइड में आ चुका हूँ फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो कितना अच्छा मतलब पिक्चर आ रहा है, पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।